हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पुरानी सीडीज यूज करके एक अमेजिंग सा वॉल डेकोर बनाएंगे। बहुत इजी है ये बनाना और बहुत अच्छा भी दिखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास कुछ पुरानी सीडीज हैं, मैंने मेरे को जितनी चाहिए उतनी ले ली है। अब इस तरह का मैं एक काला फैब्रिक जो है ले रही हूँ। ये मेरा पुराना एक पैंट था, उसका मैंने कपड़ा यूज किया है। आप चाहे तो जीन्स का भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आएगा उससे भी। अब ये फेविकॉल का जो आर्ट ग्लू है, क्राफ्ट ग्लू, मैं उसका यूज करके इस सीडी को इस कपड़े पे चिपका रही हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो कट कर देंगे और एजिस पे भी ग्लू लगा के इसे हम स्टिक कर देंगे। बहुत टाइटली स्टिक करना है ताकि नीट सा लुक आए। देखिए ये अच्छे से सूख चुका है एंड ये रेडी हो गया है हमारा। इस तरह से मैंने चार बना लिए हैं। अब हम इस पे पेंटिंग करेंगे, तो आप जो चाहे पेंटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ वार्ली पेंटिंग कर रही हूँ, सारी म्यूजिशियंस का पेंट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आप चाहे फ्लास्क का पेंटिंग कर सकते हैं या कोई और चीज भी। बस इतना याद रखना है कि हमें एजिस जो है वो एकदम नीट रखनी है ताकि आर्ट जो है अच्छे से दिख के आए। आप अगर प्रैक्टिस नहीं है आपको, तो पहले पेंसिल से या चॉक से जो है इस पे आप बना ले पेंटिंग एंड देन ट्रेस कर ले पेंट के साथ। ये देखिए हमारा ड्रमर वार्ली पेंटिंग जो है बन चुका है। अब हम दूसरा बनाएंगे। इसी तरह सारे सीडीज को जो है मैं अच्छे से डेकोरेट कर लूंगी, पेंट कर लूंगी। यहाँ पे चौथा जो है मैं एक ट्रम्पेट बजाता हुआ वार्ली पेंटिंग कर रही हूँ। वार्ली पेंटिंग जो है बहुत इजी होता है बनाने में और बिगिनर्स भी इजीली कर सकते हैं, इसलिए मैं वही दिखा रही हूँ। अब इन चारों को रेडी करके आप सजा सकते हैं अपने डोर के पीछे या फिर अपने लिविंग रूम के वॉल पे। अच्छी लगी DIY तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। देखिए इस तरह से मैंने डोर के पीछे भी लगा के दिखाया है, बहुत अच्छा दिखता है ये लिविंग रूम के वॉल पे, या फिर किसी और पेंटिंग के साथ इसे पेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।